चला राय पप्पा ने तो इनका क्या टीम है उनको ये स्ट्रक्चर फराहम किया जा रहा है सब्सिडी पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पावर्स नहीं थी उनके पास पैसा खर्च करने की पावर्स नहीं थी उनके पास प्लान बनाने की पावर्स नहीं थी ये बटन में फिर हमने ये बाईपास बनाया है उस बाईपास पे आपकी ताउन की जरूरत है उसकी नजरसानी करें उस पे और फेस में हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है पूरे यूटी में उसमें ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो हमने पिछले बैक टू विलेजेस में भी सीखा 1, 2, 3 में कि प्लानिंग जो है डिस्ट्रिक्ट में जितना भी काम होना है उसकी शुरुआत जो है वो हमारे विलेज से होगी ग्राम सभा से होगी तो ये बैक टू विलेज भी हम जो फोकस कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि ग्राम सभा में लोगों में जाके प्लान बनाए जिसको फिर ब्लॉक लेवल पे और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको अप्रूव किया जाए जितना भी काम जो हमारे लोग बताएंगे उसको हम फॉर्मुलेट करेंगे उसको हम अपने प्लान में डालेंगे और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे पास प्लान होते हैं चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का प्लान हो चाहे वो एरिया डेवलपमेंट ग्रांट्स हो बीडीसी ग्रांट्स हो हमने किसी ना किसी तरह उनमें वो डालना है तो मैम मुझे ये लगता है कि हमारी गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी जो सक्सेस रही है वो थर्ड टियर को लाना रहा है जैसे हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों में एक नया फेज जो है जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ जिसमें ग्राउंड लेवल से प्लानिंग स्टार्ट हुई इसको आने में कुछ टीजिंग प्रॉब्लम्स रही कुछ लोगों को समझने में प्रॉब्लम्स रही आज भी कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ डिपार्टमेंट्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे या कम कर रहे लेकिन मैं ये बड़े ही गर्व से कह सकती हूँ कि जो प्रोग्रेस हमने की है पिछले 2-3 सालों में वो रिमार्केबल प्रोग्रेस है हिस्टोरिक प्रोग्रेस है क्योंकि आज मुझे लगता है हर डिपार्टमेंट को ये पता है कि हमें जितनी भी प्लानिंग करनी है वो पंचायत लेवल से ही प्लानिंग करनी है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये 14 ही डिपार्टमेंट की सभी डिपार्टमेंट जो है वो इसमें सेंसिटाइज हो गए हैं और हमारा प्लान जो है हर साल एक बेटर प्लान बन के सामने आ रहा है आज ही काम जो चीजें आपने आज जो कि पहले पॉसिबल नहीं होता था आज जो हम चीजें आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट में ये काम करना है हमें गांव में ये काम करना है हम वो काम कर पा रहे हैं हाँ हो सकता है कि 10% काम हम इस साल करें अगले साल हम और 10% करें तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह 100% काम जरूर होगा हम ये नहीं कहते कि एक ही बार में सब काम हो जाएंगे लेकिन जो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं वो एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन है और मुझे लगता है इससे जो हमारे गांव की शक्लें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है और वो हमें दिख भी रहा है कि किस तरीके से हमारे गांव जो है वो तब्दील हो रहे हैं आज मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो टाउन के हैं और वो मेरे पास आते कि नहीं हमें रूरल एरिया बना दो क्योंकि मुझे लगता है कि रूरल एरिया में ज्यादा फंड्स आ रहे हैं और ऐसा हो रहा है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैम दूसरा नाम आरडीडी डिपार्टमेंट जो है वो जितना काम रूरल एरिया में कर रहे हैं 31st तक करेंगे तो उसमें भी हम कामयाब जरूर होंगे थैंक यू अगेन मैम कि आप यहाँ आए आपने हमें एनकरेज किया रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का तो आपने रिव्यू किया ही साथ में आपने बैक टू विलेज के बारे में भी जो हमें हिदायतें दी है जो हमें डायरेक्शन दी है उसका भी हम पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे तब हमारे तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हमारे तमाम एचओडीज अलग अलग जिलों के अलग अलग ब्लॉक्स के अलग अलग गांव में ये मीटिंग्स कर रहे हैं लोगों को बैक टू विलेज के बारे में सेंसिटाइज कर रहे हैं आप लोगों ने शायद मेरा तो ये पहला मौका है मैं इसके पहले जो 3 फेज थे उसमें मैं यहाँ नहीं थी लेकिन आप लोगों ऑफिसर्स ने फीडबैक दिया था कि पिछले जितने भी 3 फेजेस थे उसमें क्या क्या उनको दिक्कतें आई थी क्या क्या उन फेजेस में अच्छे काम हुए थे लोगों की क्या क्या डिमांड्स आई थी और उन डिमांड्स में से कितनी ऐसी डिमांड्स हैं जो मुकम्मल हो चुकी हैं और कितनी ऐसी हैं जो आज की डेट में भी पेंडिंग है ये सारी चीजें हम लोगों ने प्लानिंग करके डिस्कस की जैसा आपको डीसी साहिबा ने बताया मैं भी आपको यही चीज कहना चाहती हूँ कि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं बैक टू विलेज मीन्स सरकार आपके दरवाजे पे आपके गांव पे साथ साथ यहाँ के रहने वाले लोग यहाँ के 5 सरपंच मीडिया पर्सन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जिन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन भी रखी थी और जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना वक्त निकाला और यहाँ पर तस्वीर करना हो गए बहुत बहुत शुक्रिया जो है हमने उनको बुलाया हुआ है